हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, के बारे में मैंने जो मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी, आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें आपको कल के टारगेट, जो फ्यू डेज में टारगेट अचीव होने को मिल सकते हैं, वो टारगेट्स उस वीडियो में है। बट ये वीडियो फ्रेंड्स डिफरेंट होने वाली है। इस वीडियोज में आपको बताना चाहूंगी कि मैनेजमेंट को क्या क्या करना चाहिए सो दैट शेयर एक अपटर्न मूवमेंट ले ले पॉजिटिवली और एक बाउंस बैक हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल सके। सो आज अपन सर्किट लगाए देखने को। बहुत से सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि मैम फ्रेश एंट्री ले लें। मैंने उन्हें सिंपली बोला है अभी एटलीस्ट 2-3 डेज वेट करो और अपर सर्किट लगने दो। फ्रेंड्स, अपर सर्किट लगने दो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आपको प्रॉफिट कम होगा बट आपका पैसा फंसेगा नहीं। कम शेयर को अच्छी तरह बाउंस बैक होने दीजिए और कोई पॉजिटिव न्यूज भी आने दीजिए। बट सेल अगर आपकी मर्जी, आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल थोड़ा अमाउंट लगाइएगा अभी। तो फ्रेंड्स, क्या क्या न्यूज है, क्या होना चाहिए सो दैट शेयर एक अच्छी तरह बाउंस बैक ले सके। तो पहला है फ्रेंड्स, अगर फोरेंसिक रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो शेयर को यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको बाइंग की और आप एक बहुत अच्छा टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। तो फोरेंसिक रिपोर्ट का पॉजिटिव आना बहुत ही मस्ट है। सेकेंड है फ्रेंड्स, इनको Q1 का रिजल्ट काफी अच्छा आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा शेयर को अप ट्रेंड में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने मेरी और वीडियोस देखी होंगी, कंपनीज Q1 के रिजल्ट के लिए डेट डिक्लेयर कर रही हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो बंद करने की अपडेट्स आ गए हैं। तो इन्हें भी ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को भी एटलीस्ट ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट देनी चाहिए कि Q1 का रिजल्ट कब आएगा। इन्हें तो बल्कि Q1 का रिजल्ट जल्दी लाना चाहिए ताकि लोगों को जो भरोसा टूटा है वो भरोसा वापस आ सके और वो इसमें इन्वेस्ट करे। थर्ड क्या है फ्रेंड, थर्ड पॉइंट है कि प्रोमोटर्स को यहाँ पे होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। अगर प्रोमोटर्स यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाएंगे, चाहे थोड़े से शेयर भी एक्वायर करें, अगर एक्वायर कर लेंगे तो एक पॉजिटिविटी का एटमोसफेयर बन जाएगा, ये एक गुड न्यूज हो जाएगी और इन्वेस्टर्स भी यहाँ से अपना सेलिंग प्रेशर हटाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ाते हैं तो इनको जो कंपनी है इन्हें ऑफिशियल अनाउंसमेंट जरूर देनी चाहिए, नोटिफिकेशन जरूर देनी चाहिए कि प्रोमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। फ्रेंड्स, सेकंड है, जो भी अपडेट्स, जो भी चेंजेस करते हैं इनको एक्सचेंज को हमेशा अपडेट करना चाहिए, बिकॉज ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि एक्सचेंज के पास सारी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कंपनी की। और फ्रेंड्स, अगर ये कोई ऑडियो कंपनी को भी बाय करना चाहते हैं तो अगर ये भी ऐसा कुछ है तो इन्हें जल्दी से जल्दी बाय करना चाहिए और उसकी नोटिफिकेशन देनी चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट्स कंपनी फॉलो करती है तो डेफिनेटली जिन भी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट टूटा है वो ट्रस्ट फ्रेंड्स डेफिनेटली वापस आएगा और शेयर एक प्रॉपरली बाउंस बैक में आ जाएगा। अभी तो आज अपर सर्किट लगा है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट अभी भी कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स के दिल में डर है कि क्या पता कल एक दिन अपर सर्किट लगने के बाद दोबारा से ये एक डाउन ट्रेंड फॉलो ना कर ले, बिकॉज इसने कुछ दिन पहले भी ऐसा किया था, एक दिन का अपर सर्किट लगा था एंड उसके बाद फ्रेंड्स 2-3 डेज तक हमें एक लोअर सर्किट देखने को मिला था।